दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे कि ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसे माना जाता है कि आपको ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं कि आपके साथ नॉर्मल डिलीवरी हो। देखिए, डिलीवरी का मेथड जो होता है वो सी सेक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी से बेहतर और कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जैसे आप सी सेक्शन में जाते हैं, आपका शरीर कम से कम 6 महीने तक के लिए, उसको हीलिंग तो ज़रूरी होती है, हीलिंग उसको चाहिए। उसके बाद देखिए, एक कट हो जाता है शरीर में, इसलिए बेहतर होती है, सबसे अच्छी होती है नॉर्मल डिलीवरी, जिसमें किसी तरह का कोई कट नहीं होता है, कोई ऑपरेशन नहीं होता है, और आपको ये जो पेन होता है वो 1 हफ्ते या 40 दिन 50 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाता है, जो भी आपकी रिकवरी प्रोसेस है। उसके बाद आपके शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो माना जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी अच्छी होती है। तो कुछ मैं आपको 5 टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जिससे ज़्यादा संभावनाएं ये बनती हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो। सबसे पहली टिप, आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको 30 मिनट का वॉक अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आप नॉर्मल जो वॉक कर रहे हैं, नहीं मैं ब्रिस्क वॉक इसकी बात तेज़ी से वॉक करने की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आप नॉर्मली वॉक करते हैं उस तरह से 30 मिनट का वॉक ज़रूर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही 30 मिनट्स यानी आधे घंटे तक का पूरा लें। कभी कभी आप जैसे आपको 10 मिनट के बाद आपको थकान हो जाती है तो आप बैठ जाइए, 15 मिनट के बाद आपको थकान हो जाती है तो आप बैठ जाइए। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में भी आप कर सकते हैं, सुबह में करिए, दोपहर में करिए, शाम में करिए, कोई मैटर नहीं है, लेकिन 30 मिनट का वॉक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने शरीर में वाटर लेवल को मेंटेन करके रखना है। आपको बहुत सारा पानी पीना है, जैसे 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना है, और ये आप पूरा एक क्वांटिटी आप बॉटल को नाप के रख लीजिए, उस हिसाब से आपको पीना है। आपको एक रिमाइंडर सेट करना है कि अभी मुझे पानी पीना है। और आप पानी के अदर फॉर्म्स को भी ले सकते हैं, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, या किसी फ्रूट जूसेस, जो भी आपको पसंद हो, जो कि हेल्दी हो आपके बच्चे के लिए। तो आप जितना ज़्यादा ज़रूरी हो उतना आप लिक्विड कंटेंट को अपने शरीर में मेंटेन करिए, और जितना ज़्यादा आप लिक्विड डाइट लीजिएगा उतना ज़्यादा आपके एमनियोटिक फ्लूड का भी स्तर अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि लोग बोलते हैं एक्सरसाइजेस क्यों करना, थोड़ा सा ये, लेकिन देखिए, एक्सरसाइजेस के नाम पे आप अगर किसी का हेल्प लेते हैं, किसी ट्रेनर का या कोई आपके जो रिलेटिव्स हैं उनका अगर हेल्प लेते हैं, तो बहुत आराम से आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे कि योगा को अपने दिनचर्या में शामिल करिए, कि जैसे, और ख़ास करके आप ब्रीदिंग टेक्निक्स का ज़रूर प्रयोग करिए। जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स में आपको होता क्या है कि अगर आप अनुलोम विलोम या जो भी सांस वाली जितनी भी योगाएं हैं वो ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपका जितना सांस कंट्रोल होगा डिलीवरी के समय, आपको अपनी जितनी ब्रीदिंग कंट्रोल होगी उतना आपको पुश करने में, या फिर आपको उतना कॉन्ट्रैक्शंस भी आप फेस कर सकते हो बहुत आराम से, इसलिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बनते हैं। तो ये तो रही तीसरी बात। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने घर के हल्के फुल्के काम अवश्य करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी आ गई और आपको सिर्फ बेड रेस्ट करना है। प्रेगनेंसी एक रोग नहीं है बल्कि एक अवस्था है, तो आप इसमें जितना एक्टिव रहिएगा, अपने घर के हल्के फुल्के काम करिएगा। मैं काम करने में आपको ज़्यादा भारी काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये ना कि आपने बेडशीट को साफ़ कर लिया, या फिर हेवी कंबल आप साफ़ कर रहे हैं, या फिर हेवी काम कर रहे हैं, उस तरह के काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और जहाँ तक रेस्ट की बात है, आपको डॉक्टर आपको खुद सजेस्ट करेंगे कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो इस समय आपको बेड रेस्ट कहने के लिए, जब तक वो नहीं कहते हैं, आप खुद से बेड रेस्ट मत लीजिए। हल्के फुल्के घर के काम करिए, एक्टिव रहिए, तो ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए, इस समय तो बहुत कुछ खाने का मन करता है कि थोड़ा सा चटपटा खा लूँ, थोड़ा सा मतलब बाहर की चीज़ें खा लूँ, बट आप जितना जंक फूड से बचिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जंक फूड खाने से आपका जो एक्सेस वेट है वो बढ़ेगा, और ज़्यादा वेट आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हैम्पर कर सकता है। तो घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स का सेवन करिए, जितने हेल्दी चीज़ हैं उनको लीजिए। देखिए, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा कुछ मन को मारना पड़ता है, तो बस ये समझिए कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बच्चे को जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप हेल्दी डाइट को चुनें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको
थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचिए तो देखिए सब कुछ अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप घबराएंगे या फिर देखिए सोच में आपको हावी जो सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो निगेटिव चीज़ें होती हैं, तो अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करिए। आपको जो भी ऐसी चीज़ें पसंद हो, आपकी जो हॉबीज़ हैं, डांस करना तो मैं नहीं बोलूँगी, इस समय आपको इतनी डांस वांस नहीं करनी है, लेकिन हाँ सिंगिंग आप कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो कर सकते हैं, और खुश रहना सीखिए। खुश रहिएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका बच्चा भी अंदर ही अंदर खुश होगा, आपको खुश देखेगा तो उसके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो बस अच्छे के लिए भगवान से दुआ करते हुए अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाइए, और देखिए विश्वास रखिए भगवान पे कि आपकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये रही पूरी वीडियो, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेंड्स माई वर्ल्ड।